मैं सारी का आज आपके लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो हम सीधे बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं हमारा टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग चार आर्टिकल छत्तीस से इक्यावन तक दिए गए हैं और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं फ्रेंड्स अगर हम पीछे देखें जब हमारा देश आजाद हुआ यानी स्वतंत्रता के समय देश के सामने अनेक चुनौतियाँ थी और भारत के पास उस समय अगर आप देखें स्वतंत्रता के समय भारत के पास सीमित संसाधन थे और जो सीमित संसाधन थे उन्हीं से हमें अपने देश का विकास करना था और कौन सा विकास राजनैतिक आर्थिक सामाजिक ये जो सारे विकास थे हमें उन्हीं सीमित संसाधनों से करने थे तो का तो बात आई कि हम ऐसे कौन से तत्व शामिल करें कि जो क्या करें हमारे पूरे समाज का हमारे देश का क्या करें कल्याण करें तो जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा संविधान पर कार्य कर रही थी तो मौलिक अधिकार की एक उप समिति थी उसी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भी काम किया तो उस समय इनका नाम क्या नहीं था नीति निर्देशक तत्व तो नहीं था बाद में इनको एक अलग भाग दिया गया अगर हम इनको एक उपभाग में बांट देते तो शायद सरकार जो होती है जो हमारा राज्य है वो इस पर इतना फोकस नहीं कर पाता अगर हम इसको पर्टिकुलर एक संविधान के भाग में नहीं देते तो इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने इसे संविधान के भागचार आर्टिकल छत्तीस से इक्यावन तक दिया उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों की कुछ विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं के माध्यम से हम समझेंगे कि नीति निर्देशक क्यों है क्यों आवश्यक थे और हमारे राज्य को क्यों दिए गए हैं ठीक है थीके? पहले हमने विशेषता देखी देखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो राज्य को निर्देश हैं, न कि आदेश हैं। यानी जो राज्य होगा राज्य सरकारें होंगी या संघ सरकार होगी जो पूरा राज्य देश होगा वो क्या करेगा ये संविधान द्वारा एक डायरेक्शन है एक निर्देश है उनको कोई आदेश नहीं दिया गया है कि आप उस काम को करो ठीक है क्या दिए गए हैं निर्देश दिए गए हैं नेक्स्ट है यह न्याय योग्य नहीं है अगर सरकारों ने या अगर राज्य ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप उसे क्या करेंगे न्यायपालिका में चुनौती देंगे नहीं जब भी देश की सिचुएशन होगी देश का विकास होगा धीरे धीरे देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा हम इन नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे क्या करते रहेंगे लागू करते रहेंगे ये कोई आदेश नहीं है कि आपको सारे नीति निर्देशक तत्व एक बार में ही क्या करने हैं लागू करने हैं जैसी जैसी देश का विकास होगा देश सशक्त होगा ये नीति निर्देशक तत्वों पर राज्य कार्य करता रहेगा लेकिन जब भी ये नहीं पूरे होंगे तो आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते यानी नीति निदेशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है नेक्स्ट हम देखेंगे जो इनका उद्देश्य है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ठीक है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से मतलब है कि जो प्रत्येक नागरिक है जो समाज है एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ पर प्रत्येक नागरिक का क्या हो कल्याण हो कल्याण से मतलब है यहाँ पर उनका आर्थिक विकास हो उनका राजनीतिक विकास हो उनका सामाजिक विकास हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाए तो ये क्या है इसका एक उद्देश्य है नेक्स्ट इसकी विशेषताएं है आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है जो नीति निर्देशक तत्व तो है वो क्या करता है आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसी के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती हैं जिससे क्या होता है एक गरीब जो इंसान है उसको भी क्या मिलता है काम मिलता है तो ये क्या करता है आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है नेक्स्ट एक और विशेषता हम देखेंगे कि ये समाजवादी स्वरूप के हैं बिल्कुल क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व तो है ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है किसी व्यक्तिवाद पर डिपेंड नहीं है कि एक व्यक्ति का भला होगा तो वो नीति निर्देशक तत्व तो कहलाएंगे बिल्कुल नहीं यहां पर ये समाजवादी स्वरूप के यानी ये पूरे समाज के बारे में सोचते हैं पूरे समाज के समाज के लिए कार्य किया जाएगा तो इनका स्वरूप होगा समाजवादी स्वरूप नेक्स्ट है सत्ता इन्हीं पर केंद्रित है बिल्कुल सही जो सत्ता होती है वो इन्हीं पर केंद्रित होती है क्योंकि जो सरकारें होती हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो नीति नीदे निर्देशक तत्वों को ही अपने चुनाव के क्या बनाते हैं घोषणा पत्र बनाते हैं और लोगों के बीच जो वोट मांगने के लिए आते हैं वो इन्हीं नीति नीदे निर्देशों के तत्वों के आधार पर आते हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे हम लोगों को रोज़गार देंगे हम आ, कानून व्यवस्था अच्छी बनाएंगे जिससे क्या होगा एक संतुलन बना रहेगा तो ये सब क्या है ये सत्ता को वोट आकर्षित करने के लिए मुद्दे यही होते हैं और अगर अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाती है तो पाँच साल बाद जनता अपने वोट वोट के माध्यम से उन्हें बताती है कि जनता के अंदर भी क्या है एक पावर है और वो पावर किसकी है वोट की पावर मतदान की पावर तो ये सत्ता इन्हीं पर केंद्रित है और यदि नीति निर्देशक तत्वों को पूरी इच्छा शक्ति और ईमानदारी से लागू किया जाए तो निसंदेह जो भारत की स्थिति है वो एक स्वर्गीय स्थिति होगी और उस स्थिति को जानने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारे प्रमुख नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं देखिए इनमें बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिनको हम सिंपल पढ़ेंगे उन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे मैं उनको आपको बता दूंगी फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमुख नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए हैं जो दिए गए हैं आर्टिकल छत्तीस से इक्यावन तक एक एक आर्टिकल करके हम देखेंगे ठीक है पहला आर्टिकल है आर्टिकल छत्तीस ठीक है इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा और सिंपल सा इसमें क्या है कि राज्य की वही परिभाषा है जो मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ी किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा वही थी वहां थी वही परिभाषा क्या है आर्टिकल 36 में है तो अगर क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 36 में क्या है तो राज्य की परिभाषा है नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल सैतीस बहुत बार पूछा गया है ठीक है इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का न्यायिक पुर्णवलोकन नहीं हो सकता है जैसे कि हमने इसके एक विशेषता भी इसे देखा था कि इनका न्यायिक पुर्णावलोकन नहीं हो पाएगा अगर राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर पाती है इस पर कार्य नहीं कर पाती है तो इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कोई व्यक्ति भी नहीं जाएगा कि हमारे कल्याण के लिए ये योजनाएं नहीं चलाएं तो हम न्यायालय जाएंगे बिल्कुल नहीं इनका न्यायपुर्वलोकन नहीं हो सकता है आर्टिकल 38 की हम बात करेंगे आर्टिकल 38 में है कि जो राज्य है वो क्या करेगा एक लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा ठीक है हम ऐसा राज्य स्थापित करेंगे उसका उत्थान करेंगे जिससे क्या हो एक ऐसा राज्य हो जो लोक कल्याणकारी हो हितकारी हो सबके लिए किसी एक ही व्यक्ति के बारे में न सोचे बल्कि पूरे समाज के लिए और जो अंतिम मनुष्य होगा अंतिम व्यक्ति होगा उसके बारे में भी राज्य सोचे नेक्स्ट है आर्टिकल उनतीस आर्टिकल उनतीस में है राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व यानी इसका मतलब है कि जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा तो राज्य को कुछ बातें ध्यान देनी होगी उसके बाद ही क्या करेगा वो उन नीतियों को बनाएगा तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं ये कौन से हैं उनतीस ए के अंतर्गत ठीक है इसमें ए बी सी डी ई बहुत सारे पॉइंट दिए हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल यहीं पे क्लियर कर देती हूँ उनतीस क को, को हम ऐसे में देखेंगे आर्टिकल उनतीस क एक संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान देना है राज्य को जब भी वो कोई नीतियाँ बनाएगा तो हमने उनको ऐसे पॉइंट में देखेंगे ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कि राज्य जब पॉलिसी बनाएगा तो उसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा पहला है कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका अर्जित करने का अधिकार है ठीक है समान अधिकार है यानी जो महिला और पुरुष होंगे जब वो अपना व्यवसाय अपनी आजीविका आजीविका शुरू करना चाहेंगे तो उनको क्या मिलेंगे समान अधिकार मिलेंगे अगर आप स्वतंत्रता के समय पे देखेंगे तो जो महिलाएं थी वो किसी भी सेक्टर में नहीं जाती थी वो केवल चार दीवारी के अंदर ही अपना जो घरेलू कार्य था वही करती थी तो उसके बाद जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हम महिलाओं को किस प्रकार से आगे लाएं? जब समाज का धीरे धीरे विकास होगा तो महिलाओं को क्या आना पड़ेगा आगे आना पड़ेगा क्योंकि जो आधी दुनिया है वो किन की है महिलाओं की और आधी दुनिया पुरुषों की तो इसमें कहा गया है चाहे वो कोई भी सेक्टर हो तो इन दोनों को क्या मिलेंगे समान अवसर मिलेंगे समान अधिकार मिलेगा जैसे एक महिला है वो ट्रेन चलाना चाहती है और एक पुरुष भी ट्रेन चलाना चाहता है तो दोनों को क्या मिलेंगे समान अवसर मिलेंगे समान अधिकार मिलेंगे हम महिला बोलकर उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो राज्य इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं बालिकाओं के लिए कन्या भ्रूण से लेकर उसको रोकने के लिए हर प्रकार से राज्य जितना भी उससे हो सकता है वो सारे काम क्या कर रहा है राज्य कर रहा है नेक्स्ट हम देखेंगे कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे कि क्या हो सामूहिक हित हो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो देश की भौतिक संपदा है उसका उपयोग क्या करेंगे सारे देश के लिए करेंगे किसी एक राज्य के लिए नहीं करेंगे या किसी समुदाय के लिए नहीं करेंगे उन भौतिक संसाधनों पर सबका हित होगा जो भौतिक संसाधन होंगे उसका जब उपयोग होगा तो वो सबके हित के लिए होगा जैसे हम यहाँ पे भौतिक संसाधनों को देखेंगे तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भौतिक संसाधनों की बात करें तो कोयला एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलता है तेल पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलता है तो उस तेल और उस कोयले का जो प्रयोग होता है वो पूरे देश के लिए होता है बस यहाँ पर विडंबना ये हो जाती है कि जो उस राज्य के संसाधन होते हैं उस राज्य को उतना लाभ क्या होता है कि राज्य नहीं दे पाता है जिसके कारण जो क्षेत्रवाद और जो नक्सलवाद ये जो समस्याएं होती हैं वो भौतिक संसाधनों पर ही उनकी क्या होती है लड़ाई होती है मांग होती है कि जो हमारा राज्य है माना बेशक आप देश के हित में उसके लिए कार्य करें लेकिन जिस राज्य से आप उसका शोधन कर रहे हैं उस राज्य के लिए भी थोड़ा उसको ज़्यादा यूटिलाइज करो ताकि राज्य का क्या हो सके विकास हो सके लेकिन इसके ले भी क्या है सरकारें काम करती रहती हैं जैसे आ, काफी साल पहले एक घोषणा आई थी कि जो राज्य सरकारें होंगी वो अपने भौतिक संसाधनों का क्या करेंगे न्यूनतम मूल्य तय करेंगे जिससे राज्य भी क्या होगे उनको खरीद पाएंगे नेक्स्ट है राज्य यह प्रयास करेगा उत्पादन का तथा धन का अहितकारी सकेंद्रण न हो सके यानी जो हमारा उत्पादन है जैसे हमने पहले पॉइंट में भी देखा और जो धन है देश का उसका क्या होगा वो केंद्रित ना हो सके और उसको कोई गलत तरीके से उसका उपयोग ना हो पाए बल्कि वो पूरे समाज के कार्य के लिए समाज के उत्थान के लिए उसका कार्य कर सके नेक्स्ट है स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा ठीक है जो स्त्री और पुरुष होंगे चाहे वो किसी भी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं उनको क्या देना पड़ेगा समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा अगर स्त्री भी वही कार्य कर रही है जो पुरुष कर रहा है तो उसकी सैलरी भी वही होगी ठीक है ऐसा नहीं है कि स्त्री कहकर महिला कहकर क्या करेंगे हम उसका वेतन कम कर देंगे नहीं अब इस बदलाव की जरूरत थी कि इनका वेतन क्या होगा समा, समान होगा तभी स्त्रियाँ क्या होंगी महिलाएं क्या होंगी घर से बाहर निकलेंगी और देश हित में अपना योगदान देंगी नेक्स्ट हम यहीं पर देखेंगे कि अः बयालीसवां संवैधानिक संशोधन हुआ उन्नीस में इंदिरा गांधी के समय में और एक अनुच्छेद जोड़ा गया इसमें उनतीस का कौन सा जोड़ा गया 29 जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि सभी को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी ठीक है अगर आपने देखा है तो न्याय जो होता है न्याय भी क्या है प्रत्येक नागरिक अपना न्याय ले सकता है न्यायपालिका से उसको वो समान अधिकार प्राप्त है और विधिक सहायता भी क्या होती है निःशुल्क होती है नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायतों के गठन और उनकी स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं संविधान निर्माताओं ने पहले ही कहा था कि जो हमारा देश होगा जैसे जैसे सशक्त होता जाएगा हम क्या करेंगे इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते जाएंगे सरकार इन पे क्या करती जाएगी कार्य करती जाएगी और जैसा कि संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि जब जब हमारा देश सशक्त हो जाएगा समझने लायक हो जाएगा कि हमें किन निर्देशों का लागू करना चाहिए तो हमें वो निर्देश क्या होंगे उस समय लागू करने चाहिए जैसा कि 2 अक्टूबर उन्नीस में राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचायती राज व्यवस्था का क्या करा था शुभारम्भ करा था तो ये हमने इम्प्लीमेंट करा था आर्टिकल 40 को और आर्टिकल 40 यहाँ पर क्या है गांधीवादी सिद्धांत का है क्योंकि महात्मा गांधी भी क्या चाहते थे कि ग्राम पंचायतें स्वराज की स्थापना हो तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत क्या है पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायतों का गठन अब हम देखेंगे नेक्स्ट है आर्टिकल 41 इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ठीक है कुछ कंडीशन होंगी उनमें क्या पा सकते हैं काम पा सकते हैं जैसे कि भारत सरकार द्वारा मनरेगा मन जैसी योजनाएं चलाई गई जिससे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है राज्यों को निर्देश होते हैं कि वो शिक्षा दें राज्य को प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दें निशुल्क दें लोक सहायता अगर आप देखेंगे तो अब सरकारी हॉस्पिटलों में एक रुपये से पर्ची कटना शुरू होती है ज़्यादा से ज़्यादा बीस तीस रुपये में क्या हो सकता है बड़ा सा बड़ा इलाज क्या हो सकता है मिल सकता है तो ये क्या है लोक सहायता पाने का अधिकार है यानी कुछ कंडीशन होंगी जिसमें काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा नेक्स्ट है आर्टिकल फोर्टी टू यानी आर्टिकल बयालीस इसमें कहा है काम की न्याय संगत और मानवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपवन यानी जो काम होगा जहाँ पर काम हो रहा होगा वो कैसा होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए ऐसा नहीं कि काम कुछ भी काम करवा रहे हैं और कितना भी काम करवाते जा रहे हों नहीं ऐसा नहीं है वो कैसा होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए और वहाँ का जो एनवायरमेंट है जो वातावरण है वो मानव के रहने लायक काम करने लायक होना चाहिए और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रसूति सहायता यानी जो महिलाएं हैं उनको अलग से छूट दी जाती है चाहे वो प्रेग्नेंट हैं उस समय भी उनको क्या दी जाती है लीव दी जाती है पोस्ट डिलीवरी भी उनको लीव दी जाती है उसके बाद भी अगर वो स्वस्थ नहीं है उनको लीव दी जाती है लेकिन उसके बदले उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है उनको विशेष छूट दी जाती है उसके बाद भी अपने बच्चे के पोषण के लिए और उनकी देख रेख के उनके आगे भी बहुत सारी उनको छुट्टियाँ दी जाती हैं ताकि महिलाएं क्या हों इन क्षेत्रों से बाहर ना हों बल्कि वो बनी रहें अगर ये प्रसूति सहायता जैसे उपबंध सरकार नहीं करती है तो बहुत कम महिलाएं हैं जो कि सरवाइव कर पाएंगी जॉब में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आप लोगों का और इसमें ध्यान दीजिएगा एक की वर्ड है इसका प्रसूति सहायता का उपबंध नेक्स्ट है आर्टिकल 43 इसमें कहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन यानी मजदूरी उतनी मिलनी चाहिए जिससे क्या है निर्वाह कर पाए यानी ऐसा नहीं है कि जो मजदूरी कर रहा है उसको आप सारे दिन उसने काम किया उसको सौ रुपये दें नहीं वो उसके निर्वाह उसके जीवन जीने के लिए उचित नहीं है वो सौ रुपये में अपना दिन नहीं काट सकता है तो उसको क्या मिलना चाहिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ राज्य क्या करेगी कुटीर उद्योगों का भी प्रोत्साहन करेगी जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हों नेक्स्ट है आर्टिकल 44 जिसमें है समान नागरिक संहिता यानी जो भारत क्षेत्र है भारत की जो भारत भूमि है उसके समस्त जो नागरिक होंगे जो राज्य क्षेत्र हैं, उनके नागरिकों के लिए क्या होंगे समान सिविल संहिता होगी यानी एक जैसे नियम कानून होगी अगर शिक्षा देनी है तो एक तरीके से होगी अगर कानूनी कोई लड़ाई है तो एक जैसे होगी कोई भी रूल अगर फॉलो करने हैं तो सबको एक जैसे रूल फॉलो करने होते ये होता है समान नागरिक संहिता अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल 44 है यही एक ऐसा अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों में जिसमें अब तक कार्य नहीं हुआ है उस हिसाब से कार्य नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था लेकिन जैसे गोवा राज्य है तो ये पहला ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लाया लेकिन समान नागरिक संहिता तभी आ सकती है जब क्या हो सकते हैं सारे लोग जो शिक्षित हो सकते हैं और जो सोचने का लेवल है सबका वो अच्छा हो जाए और हम इस चीज़ को क्या करने लग जाएं एक्सेप्ट करने लग जाएं तो ऐसे मुद्दे तभी लाए जाएंगे वरना आधे जब लग लोग समझेंगे नहीं तब इन मुद्दों को लाया जाएगा तो ज़्यादा विरोध होगा और लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो आर्टिकल चवालीस में काम होगा लेकिन क्या होगा धीरे धीरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है आर्टिकल फोर्टी फाइव ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका क्योंकि आर्टिकल फोर्टी फाइव को नीति मौलिक कर्तव्य है हमारे वहाँ पे भी रखा गया है तो आर्टिकल फोर्टी फाइव कहता है कि जन्म से लेकर जन्म से छः वर्ष तक यानी जीरो से छ वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना तो इसमें परिवार और माता पिता का भी कर्तव्य होगा कि वो बच्चों का जो लालन पोषण है वो सही प्रकार से करें और राज्य तो करता ही करता है अगर आप देखेंगे तो राज्य ने व्यवस्थाएं की हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से छोटी छोटी ऐसी योजनाएं चलाए हैं जिससे क्या हो बच्चे कुपोषित ना हों उनको पूरा पोषण मिले और थोड़ा बहुत जो उनका शिक्षा है वो भी उनको मिले तो ये सारी चीज़ें राज्य क्या करता है प्रोवाइड करवाता है लेकिन कितने से कितने साल का बच्चा जन्म से छः वर्ष तक के बच्चे की यहाँ पर बात की गई है नेक्स्ट है आर्टिकल 46 इसमें कहा गया है एस सी व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य को निर्देश दिए हैं ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य क्या करेगा एस सी और जो दुर्बल वर्ग हैं जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षा चाहे तो वो आरक्षण के माध्यम कर सकता है या आर्थिक हितों के लिए योजनाएं चला सकता है ये सब कुछ मौलिक अधिकारों की तरह ही दिए गए हैं लेकिन मौलिक अधिकारों में क्या दिया गया था आपको आदेश दिए गए थे कि राज्य को करना ही करना है लेकिन यहां पर राज्य को निर्देश दिए हैं जबरदस्ती नहीं है ये आप करेंगे कि आप करेंगे ही करेंगे और अगर इनका पालन नहीं हुआ तो आप न्यायालय जा सकते हैं ऐसा नहीं है राज्य को एक गाइडलाइन है कि आप इन पर भी क्या करें कार्य करें तो आर्टिकल 46 कहता है कि जो एस सी और पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षा और आर्थिक हितों में भी उनकी क्या हो वृद्धि हो और उनके हितों का भी क्या रखा जा सके ख्याल रखा जा सके नेक्स्ट है आर्टिकल फोर्टी फोर्टी सेवन में है पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को जीवन स्तर के सुधार के लिए निर्देश ठीक है यानी इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें क्या होगा उसके स्तर को हमें ऊंचा बनाना है यानी कोई भी इंसान क्या हो कुपोषित ना हो और उसको जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सब मिले और साथ ही साथ जो नुकसानदेह पदार्थ होते हैं नसीली दवाएं मदिरा ड्रग इन सब पर भी क्या करें राज्य समय समय पर प्रतिबंध लगाता रहे जिससे कि जीवन स्तर अच्छा हो और पोषण स्तर अच्छा हो ये कौन सा था आर्टिकल फोर्टी सेवन अब हम बात करेंगे आर्टिकल अड़तालीस की यानी फोर्टी एट की इसमें कहा है कृषि और पशुपालन का संगठन यानी जो कृषि होगी और पशुपालन होगा वो किस प्रकार से होगा तो इसमें कहा गया है कि जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं चाहे वो कृषि के लिए हो या पशुपालन के लिए हो तो वैज्ञानिक विधियों प्रणालियों के अंतर्गत क्या होगा कृषि और पशुपालन होगा और जो पशुपालन यानी जो दुधारू गाय होती हैं गाय बछड़े होते हैं इनका संरक्षण किया जाएगा ठीक है कृषि वैज्ञानिक माध्यम से की जाएगी और साथ ही साथ जो पशुपालन है वो भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा नेक्स्ट है इसी का पार्ट का जोड़ा गया 48 पार्ट का जोड़ा गया ये भी बयालीसवें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया तो अगर आप देखेंगे जितने भी नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन हुए हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बयालीसवें संवैधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए इसीलिए जो बयालीसवा संवैधानिक संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है देखिए जब 1976, 75, 74 अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा तो पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण के लिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे थे तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर देखा जब कि पूरा विश्व पर्यावरण के लिए चिंतित हैं तो हमें भी अपने संविधान में क्या करना चाहिए एक संशोधन करना चाहिए और अपने पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए तो इसीलिए आर्टिकल फोर्टी क फोर्टी एट का जोड़ा गया जिसमें कहा गया परिवार पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का राज्य प्रयास करेगा और ये जोड़ा गया बयालीसवें संवैधानिक संशोधन उन्नीस द्वारा नेक्स्ट है आर्टिकल 49 इसमें कहा गया है ऐतिहासिक स्मारकों भवनों आदि का संरक्षण यानी जो हमारे इतिहास की देन है जो हमारे बड़े बड़े स्मारक हैं भवन हैं उनका संरक्षण राज्य करेगा उनको किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे क्योंकि ये इससे क्या होंगी हमारी धरोहर क्या रहेंगी सुरक्षित रहेंगे आर्टिकल 49 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक और भवन है उनका संरक्षण राज्य करता है तो वो है अनुच्छेद 49। नेक्स्ट है आर्टिकल फिफ्टी ठीक है वेरी इम्पोर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसमें कहा गया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ रहकर अपना कार्य नहीं करेंगी क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ रहकर कार्य करती हैं तो इससे क्या होगा शोषण बढ़ जाएगा किसी भी व्यक्ति का इजीली शोषण कर पाएंगे क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णयों को सही ठहराएगी और वहीं न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को सही ठहराएगी तो यहाँ पर इन दोनों का पृथककरण बहुत आवश्यक है जिससे कि जो व्यवस्था है वो पारदर्शिता जो है वो बनी रहे तो आर्टिकल पचास क्या कहता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण नेक्स्ट है अनुच्छेद फिफ्टी वन आर्टिकल फिफ्टी वन इसमें कहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश नीति को अगर देखना है तो अनुच्छेद इक्यावन के अंतर्गत देख सकते हैं कि हमारे देश ने कैसी अपनी विदेश नीति को बनाया है हमने अपने जो पड़ोसी देश हैं या विश्व के जो संघ संगठन हैं उनसे साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं वो कैसे हैं हम दूसरे देशों की शांति में इंटरफेयर नहीं करेंगे उन देश के जो उन देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे पड़ोसी देशों या विश्व के कोई भी देश जिससे कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है बढ़ती रहे और बनी रहे तो ये है आर्टिकल 51 जो कि विदेश नीति से संबंधित है और जो हमारी विदेश नीति केंद्रित है वो आर्टिकल 51 पर केंद्रित है क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि हमारे विदेश नीति का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 51 इसके अलावा अगर हम देखें भाग चार के अलावा भी संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और राज्य को निर्देश हैं कि आप इन पे भी कार्य करें तो कुछ अनुच्छेद हैं उनमें पहला अनुच्छेद अगर हम देखेंगे ये भाग चार के अलावा हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत नहीं है ये ठीक है आर्टिकल 335 सौ पैंतीस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो एस सी एस हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा ठीक है ताकि जो हमारा प्रशासन है वो सुचारू रूप से चल सके उसकी दक्षता प्रभावित न हो और जो एस सी हैं उनका भी अनुपातिक रूप में वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो प्रशासन में ठीक है फिर आ जाता है अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 का में कहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो मातृभाषा ले सकते हैं प्राथमिक स्तर पर उनको राज्य को निर्देश हैं कि अल्पसंख्यकों को क्या करें वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद तीन ठीक है बहुत बार एग्जाम में आता है ये आर्टिकल तीन में कहा गया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने के लिए राज्य को निर्देश हैं कि जो आपकी भाषा है आप इस पर कंटिन्यूसली कार्य करते रहें जो कि ये राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो और पूरे वर्ल्ड में क्या हो हिंदी भाषा को भी जगह मिल सके तो फ्रेंड्स अगर आपने देखा होगा कि सारे निर्देश राज्य को दिए गए हैं और राज्य के अगर बस की होती है राज्य के संभावनाएं होती हैं तो राज्य इस पर कार्य करता है कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य इन पर काम नहीं करता है जैसे कि आप देखते भी हैं तो इसीलिए एक थिंकर थे एक संविधान की जो स्टडी करते हैं वैसी उन्होंने भी करी उनका नाम था के टी शाह के टी शाह केटी टी शाह ने कहा कि जो ये नीति निदेशक तत्व हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं ये एक ऐसी चेक की भांति हैं, जो बैंक की दया पर छोड़ दिए गए हैं यानी बैंक के पास अगर पैसा है तो उस चेक को ले लो नहीं है तो नहीं लो तो ये दया पर निर्भर करते हैं राज्य की तो किसने कहा था बैंक की दया पर ये छोड़ दिए गए हैं के शाह ने तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व जो कि कैसे प्रकृति के, है? के हैं एक सकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं वास्तव में जो राज्य है ये इस पर कार्य करता है और जितना उससे पॉसिबल होता है वो इसके लिए नीतियां बनाता है और कार्य करता रहता है